हम लोग बामसेव संगठन के तहत मूल निवासी आंदोलन चला रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बामसेव पिछले 40 सालों से लगातार कार्यरत है और हम इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और अपने संगठनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्थापित लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को, खासकर उसके पढ़े लिखे वर्ग को जिसमें एससी एसटी ओबीसी और उनसे कन्वर्टेड धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं, उस वर्ग को इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए संगठित कर रहे हैं। 6000 से अधिक जातियों में बटे हुए टुकड़ों को हम एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश में जो हमारे एडवर्सरीज जो आंदोलन चला रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम इस देश के मूल निवासियों को, जो कि 85% जनसंख्या है जिनकी, उनको एकत्रित कर रहे हैं। विरोधी विचारधारा के लोग उनको बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब तक हम इन 6000 जातियों को आपस में वैचारिक रूप से जोड़कर एकत्रित नहीं कर लेते, जनमत नहीं बना लेते, तब तक हमारी समस्याओं का निराकरण होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे इस मूल निवासी समाज के पढ़े लिखे वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वह इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में हमारा साथ और सहयोग दें, क्योंकि जब तक वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जब तक जो लक्ष्य निर्धारित था हमारे पूर्वजों का, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक उस विचारधारा, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसके अनुरूप विचारधारा के तहत जो विचारधारा है वो फुले अम्बेडकरी विचारधारा है, उसके अनुरूप हम एकत्रित हो करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक ये हमारी सभी समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। इसलिए हमको, सारे मूल निवासी बहुजन समाज को, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हम अपने पूरे समाज के लिए एक नई दिशा दे सकें और हम समाज की समस्याओं को दूर कर सकें।